बहुत बच्चों की प्रॉब्लम पता है क्या है? बुरा मत मानना, दिल पर मत लेना। देखो, अगर जो आप लोगों में कमियां होगी ना, बड़े भाई की तरह मैं बताऊंगा, और जो आप लोगों में अच्छाई होगी ना, उसके लिए मैं शाबाशी करूंगा। आप यकीन नहीं मानेंगे मेरे दोस्त, ठीक है, बट यूट्यूब पर जो सबसे बुरी बात है ना, ठीक है, वो सबसे बुरी बात ये है यहाँ पर कि जब CHSL का पेपर हो, या फिर आपके CGL का पेपर हो, या आपका MTS CPO कोई भी पेपर हो, जहां तक मैंने जो नोटिस किया है, ठीक है, और जब आखिरी के कितने दिन बचे हो ना, 20 दिन बचे हो, तो बताया बच्चा क्या करता है? तो मेरे भाई यहां पर वो एक वर्ड सर्च करता है, और वो वर्ड मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं। इस वीडियो को जहां वायरल करना होगा ना कर देना, ठीक है, बट ये बच्चों की सच्चाई है, ठीक। और इसमें आप नहीं, जब मैं भी होता था ना, तो मैं भी यही काम करता था, और वो पता है क्या वर्ड लिखेंगे YouTube पर जाकर? ये वर्ड लिखेंगे मेरे भाई यहाँ पर, लास्ट 10 डेज टू क्रैक SSC CGL, 10 डेज टू क्रैक, ठीक है। अगर CGL का पेपर है तो CGL सर्च करेंगे, CHSL है तो CGL सर्च करेंगे, MTS है तो MTS सर्च करेंगे। और मैंने यहाँ 10 डेज तो ज्यादा लिख दिया, पहले पता है बच्चा क्या सोचता है? पहले यहाँ पर लिखता है वो लास्ट 30 डेज टू क्रैक SSC CGL, फिर 30 के बाद, फिर उसके बाद 20 दिन की स्ट्रेटजी बनती है, फिर 10 दिन की स्ट्रेटजी बनती है, और आखिर में ये बोला जाता है कल पेपर है सर, आज रात को बता दो, कुछ इंपॉर्टेंट हो तो थोड़ा वहीं पढ़ के चले जाएंगे। मतलब इतना निकम्मापन मेरे भाई, क्यों? मतलब तुम एक ऑफिसर बनने वाले हो, तुम एक डिपार्टमेंट में जाओगे, बढ़िया अच्छा खासा नोट छापोगे, ठीक है, तो क्या वहां पर जाने के बाद बोल दोगे अरे भैया नहीं, हमारी सरकार को बोलोगे सर सरकार सैलरी 70,000 की है, एक काम करो इसमें से कोई जीरो हटा के हमको जो है 7,000 रुपए दे दो? नहीं बोलोगे ना, 70,000 का तनख्वाह है तो पूरा 70,000 लोगे, एक रुपया भी नहीं छोड़ोगे सरकार से। तो फिर जो मेहनत लगती है पेपर को क्लियर करने में, उसमें बेईमानी काहे करते हो? आपको भी पता है कि ये 300 दिन होगा, और 300 दिन में आप इसमें से कोई भी पेपर की अगर आप तैयारी करेंगे ना तो होगा, लेकिन आप उसका कौन सा ढूंढ रहे हैं? 1/10 भाग ढूंढ रहे हैं, और ये छोटे एग्जाम्स में होते हैं। YouTube पर सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला वर्ड है, और इसी वजह से लोग इस पे सबसे ज्यादा वीडियो भी बनाते हैं। और अगर कल मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूं ना, मैं बता रहा हूं 1 लाख व्यू से कम कहीं नहीं है, और लोग भी इसी का फायदा उठाते हैं पूरे YouTube पे, उनको भी पता है बच्चा यही ढूंढता है, और जाकर वीडियो भी बनाते हैं। मेरे भाई ऐसा मत करो, कसम से बता रहा हूं मत करो, ऐसे नहीं होता। पेपर होने के लिए ढंग से पढ़ना पड़ता है, अच्छी स्ट्रेटजी चाहिए होती है, अच्छी प्लानिंग चाहिए। जो लोग साल भर से मेहनत कर रहे हैं ना, पूरे भारत के अलग अलग कोने में, कोई किसी लाइब्रेरी में बैठा है, कोई अपने गांव में बैठा है, कोई अपने शहर में बैठा है, कोई रूम से तैयारी कर रहा है, पागल नहीं है। लोगों ने किताबों के पन्नों को सफेद से काला कर दिया, वो पागल नहीं है। मॉक टेस्ट इतने ज्यादा दे दिया, वो पागल नहीं है। वो आपसे कई गुना ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, और आप क्या सर्च कर रहे हो जाके 30 दिन में SSC कैसे क्लियर करें? हलवा है ये, बताओ पहले यार, थोड़ा सोचा करो, समझा करो, फिर पूछा करो। कमेंट बॉक्स में भी ऐसे ही चलते रहता, अब मैं क्या बताऊं ऐसे बच्चों को? अगर मैं इधर उधर बोल दूं तो बोलेंगे ऐसे कैसे सर, आप जो है ओवर स्मार्ट बन रहे हैं, आपका हो गया इस वजह से आप हमको ऐसा बोल रहे हैं। मेरे भाई नहीं, मैं दिल से चाहता हूं कि सिलेक्शन हो, लेकिन सवाल तो ढंग का पूछो, ठीक है? आप भी समझिए ना इस बात को। अगर मान लीजिए जिस घर में आप रह रहे हैं, हम आपको बोल दे यार हमको है ना, एक दिन में मैं आपको ये बोल रहा हूँ, मान लीजिए कि आप दुनिया के सबसे बड़े आर्किटेक्ट हैं, और मैं आपको ये बात कह दूं कि मेरे दरवाजे पे है ना कल एक दिन के अंदर 4 मंजिला मकान चाहिए, आप बना के दे दोगे क्या? नहीं बना सकते। जिन चीजों में समय लगता है, लगता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए।